मनीष बाबूलाल टाइगर के नाम जाने जाते हैं। बाबूलाल आ जाए, जल्दी आओ। हेतराम भाटी, बबलू बीन, जल्दी जल्दी जल्दी। लक्ष्मण हंसदा, बनारस। लक्ष्मण बाबलू जल्दी करो। लक्ष्मण आनंद, ये लक्ष्मण और आनंद की जोड़ी सबसे पीछे की लाइन में पूरा संभाल रही थी। बाबूलाल खराड़ी, हमारे भाई गुजरात से, जयसुख भाई, जा भाई नरेश, ये भाई नरेश हमारे वैद्यराज हैं, मेरे को मोच आई तो ठीक कर दिया 5 मिनट में। और हमारे 84 साल के बुजुर्ग, 60 दिन नहीं चले थे पर वो 30 दिन चले थे, तो मैं उनके लिए ताली बजाना चाहूंगा। ये 84 ईयर है और पूरा 30 दिन चले, उनको विनती करके हमने वापस भेजा था। मैं मान्यवर अध्यक्षा, हम सबके प्रेरणा की मूर्ति सोनिया जी को कहूंगा कि सेवा दल की परंपरा रही है कि जब सेवा दल बड़ा प्रोग्राम करता है, कहीं इकट्ठा होता है, तो हम वो गांधी जी, हार्डिकर जी और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिए निर्देश पर प्रतिज्ञा लेते हैं। हर कोई यहां पर प्रतिज्ञा लीजिए लेंगे। आइए मैडम, जब शुरू करेंगे मैं से, तो अपना नाम देकर आप अपने हिसाब से आगे का बात बोलेंगे। मैं नाम, अपना नाम पुकारना है, लालजी देसाई, कांग्रेस सेवादल का एक स्वयं सेवक होने के नाते, कांग्रेस सेवादल का एक स्वयं सेवक होने के नाते, सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ यह प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि मैं कांग्रेस सेवादल में रहकर, मैं कांग्रेस सेवा दल में रहकर, कांग्रेस की नीति एवं आदर्शों के अनुसार अपनी पूर्ण शक्ति से देश और देशवासियों की सेवा करूंगी। मैं लालजी देसाई जिन अधिकारियों की अधीनता में रहूं, मैं जिन अधिकारियों की अधीनता में रहूंगा, उन
अज्ञाओ तथा शिवदल द्वारा समय समय पर तथा शिवदल द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों और व्यवस्थाओं का निर्धारित नियमों एवं व्यवस्थाओं का सर्वथा सर्वथा पालन करूंगा। कांग्रेस स्वयं सेवक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपना शरीर सबल बुद्धि सचेत तथा मन पवित्र रखूं। धन्यवाद। मैं मैडम को यहां पर प्रतिज्ञा हमारा शपथ दिलवाने पर धन्यवाद करते हुए भाई श्री अनिल भाई चौधरी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को विनती करूंगा कि यहां पर आए, यहां पर आप धन्यवाद वोट ऑफ थैंक्स करें, उसके बाद राष्ट्रगान होगा। परम श्रद्धा आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा के साथ साथ मेरी मातुल्य सोनिया गांधी जी, परम श्रद्धा आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी, मंच पर विराजमान आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह जी, भाई लालजी देसाई साहब, मंच के समक्ष दिल्ली कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ एआईसीसी पदाधिकारीगण, दूर दूर से आए हुए मेरे सेवा दल के, देश के हर कोने से आए हुए हर कार्यकर्ता का मैं आज अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, ये सौभाग्य मिला कि दिल्ली के अंदर ये गौरव यात्रा आज यहां समापन की तरफ बढ़ी, लेकिन लालजी भाई देसाई और सेवा दल के अनेकों अनेक कार्यकर्ता लगातार लगभग 1275 किलोमीटर की यात्रा गांधी आश्रम, जहां महात्मा गांधी जी के उस पवित्र स्थान से शुरू करके आज उस स्थान तक पहुंचे हैं जहां महात्मा गांधी जी के जो अंतिम जो यात्रा थी, जो राजघाट पे जो इस मिट्टी को, इस दिल्ली को समर्पित किया गया, आज इस यात्रा का जो मिशन था, जो सोच थी, माननीय सोनिया जी का जो आदेश रहा, इस देश को आज बहुत जरूरी है जोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए उदयपुर का जो नव संकल्प में जो निर्णय लिए गए, मैं समझता हूं भारत जोड़ने का इससे अच्छा प्रयास और नहीं हो सकता था। तो माननीय सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस आज उन तमाम लोगों के लिए आज संघर्ष करती नजर आती है जो इस देश के अंदर कुछ ताकतें बिखराव करने की कोशिश करती हैं। तो सोनिया जी के नेतृत्व में ये गौरवमय इतिहास लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता इस देश को जोड़ने की बात करता है, और उन्हीं नारों के साथ आदरणीय लाल जी भाई ने आज जो नारे आपके समक्ष रखे हैं, मैं समझता हूं संदेश एक साफ तौर पर संदेश क्लियर है। तिरंगे की शान आन को लेकर के आप आगे बढ़े। पिछले दिनों जिस तरह से देखा गया कि तिरंगों को लेकर के हटा करके आज संघी लोग अपने भाजपा के झंडे को राष्ट्र का झंडा बनाने की जब कोशिश करने की बात करते हैं तो ये लोग भूल जाते हैं ये देश हर मुल्क के हर देशवासी का है, और तिरंगे में हर व्यक्ति का आज एक आस्था का पर्व है, और इस आस्था के साथ इस देश को ना तोड़ने की जो वो सौगंध खाते हैं, तो ये जो मंसूबे पाले लोग बैठे हैं, मैं समझता हूं आज हम उसको पूरा नहीं होने देंगे। तो राजघाट पे आज इस यात्रा का समापन हो रहा है, ये दिल्ली का इतिहास है, क्योंकि ये 75 साल आजादी के 75 साल को मनाने का निर्णय सोनिया जी का था। हालांकि ये दायित्व सरकारों का भी था, लेकिन ये सरकार आजादी से दूर भागती रही है। हम नहीं, ये सब जानते हैं कि जो लोग आजादी से दूर भागे आज वो बेशक जिसको तिरंगे के रूप में हमारे सेवा दल के लोग साबरमती से लेकर के दिल्ली पहुंचे। तो दिल्ली एक ऐसा शहर रहा है जिसने आजादी से लेकर के आज तक, यदि मैं कहूं राजघाट पर हमारे उन अनेकों नेताओं की समाधियां हैं जिन्होंने इस देश को बनाने में योगदान दिया। तो मैं अब का है अटी हुई तानाशाही सरकार को रोकने की कोशिश की, एक तरफ यात्राओं को खुले मंच प्रोवाइड किए गए और दूसरी तरफ भारत की गौरव यात्रा, कांग्रेस की गौरव यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश की, लेकिन साथ
देश के एक एक कोने करता हूं को दिल्ली में आपके साथ साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। साथियों, साथ ही साथ अभी हम दो नारे इस देश में और निकले कि जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, और मैं आगे कहूंगा नफरत छोड़ो, आप बोलोगे भारत जोड़ो। बंधन तोड़ो भारत जोड़ो जो जोड़ो जो नफरत छोड़ो नफरत छोड़ो जात पात के बंधन तोड़ो जात पात के बंधन। हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और प्रदेश के प्रमुख सीएलपी हर नेता कार्यकर्ता मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं कि आप अगर शक्ति नहीं देते, आप अगर हमारे लिए पूरी व्यवस्था नहीं करते तो ये यात्रा संभव नहीं थी। और सेवा दल कार्यकर्ता जो हर कार्यकर्ता को भी मैं उनकी शक्ति को प्रणाम करता हूं और कहता हूं अब सैल्यूट हम नहीं गेट टुकड़ी। जन जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गंगा विंध्य हिमाचल तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे जब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आजाद हिंद कौमी नारा। सबका धन्यवाद। लाइन तोड़।